मैं जादव अंसारी politichawk.com में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे वेब शेपिंग सर्किट का सेकेंड लेक्चर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेब शेपिंग सर्किट में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएटर का एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग सर्किट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला यूज हम लोग इसको करते हैं अगर हम चाहते हैं किसी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव फॉर्म से, किसी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव फॉर्म से कोई नैरो पल्स का सीरीज जनरेट करना चाहते हैं, किसी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव फॉर्म से कोई नैरो पल्स का सीरीज जनरेट करना चाहते हैं तो उस समय हम इसका उपयोग करेंगे। यानी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर वेव फॉर्म से हम क्या करेंगे, कोई नैरो पल्स का एक सीरीज जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, कोई डिफरेंशिएटिंग सर्किट पे इनपुट हम क्या दिए हैं, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म दे दिए। तो देखते हैं इसको हमें आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ इस तरह का नैरो पल्स यहाँ पे हमको आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस तरह का अगर रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म दिए तो यहाँ से हमको फर्स्ट वैल्यू तक जाएगा यहाँ तक, उसके बाद हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक पल्स मिलेगा पॉजिटिव में, उसके बाद यहाँ आएगा फिर निगेटिव में हमको पल्स मिलेगा। इस तरह के सीरीज हमको पल्स मिलेंगे जब हम इस पे हम कोई रेक्टेंगुलर या स्क्वायर इनपुट वेवफॉर्म देंगे तो हमको इस तरह के नैरो पल्स मिलेंगे। देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन क्या है, अगर हम चाहते हैं रैंप इनपुट से स्टेप इनपुट प्राप्त करना चाहते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएटर पे हम इनपुट पे हम क्या दे रहे हैं, रैंप सिग्नल दे रहे हैं, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, स्टेप सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे रैंप सिग्नल यहाँ पे इनपुट पे दे दिए, तो यहाँ पे रैंप सिग्नल यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा मेरा सॉटूथ वेवफॉर्म है, तो रैंप सिग्नल यहीं तक है फर्स्ट तक। तो इस समय हमको आउटपुट क्या मिलेगा, इस रैंप के लिए यहाँ से यहाँ तक स्टेप सिग्नल मिलेगा। अगर इसी तरह के सॉटूथ वेवफॉर्म को देख ले, सॉटूथ वेवफॉर्म को देख ले तो हर साइकिल में इसी तरह के हमको स्टेप सिग्नल मिलेंगे और यहाँ पे एक निगेटिव में हमको पल्स जनरेट होते दिखाई देंगे। तो हम चाहते हैं अगर रैंप इनपुट से स्टेप सिग्नल जनरेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएटिंग सर्किट का उपयोग करेंगे। अब हम चाहते हैं स्टेप सिग्नल से, अब देते हैं हम इनपुट पे हम क्या करते हैं, स्टेप सिग्नल देते हैं डिफरेंशिएटिंग सर्किट का, तो हमको क्या मिलेगा, इस तरह का स्टेप सिग्नल दे दिए तो हमको क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, एक पल्स मिलेगा, नैरो पल्स मिलेगा। तो हम चाहते हैं स्टेप सिग्नल से कोई नैरो पल्स जनरेट करना चाहते हैं उस समय इसका उपयोग कर सकते हैं। लास्ट है स्क्वायर वेव फॉर्म हम चाहते हैं जनरेट करना तो उस समय हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो स्क्वायर वेव फॉर्म जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग सर्किट को ट्रायंगुलर वेव फॉर्म इनपुट के रूप में देंगे, इनपुट पे हम क्या करेंगे ट्रायंगुलर इनपुट देंगे डिफरेंशिएटर को, तो उस समय हमको क्या मिलेंगे, इस तरह के स्क्वायर वेवफॉर्म आउटपुट पे दिखाई देंगे। यानी हम ट्रायंगुलर वेवफॉर्म से स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटर सर्किट का उपयोग करेंगे और उसको इनपुट पे हम क्या करेंगे ट्रायंगुलर इनपुट देंगे और आउटपुट पे हमको क्या मिलेगा, स्क्वायर इनपुट इस तरह का, स्क्वायर आउटपुट इस तरह का मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम में, सेमेस्टर के एग्जाम में, कि डिफरेंशिएटिंग सर्किट को अगर इनपुट में किस तरह का सिग्नल दे रहे हैं तो हमको आउटपुट किस तरह का सिग्नल मिल रहा है, यानी इनपुट में हम अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेवफॉर्म दे रहे हैं तो आउटपुट किस तरह के हमको मिलेंगे, आउटपुट किस तरह के वेवफॉर्म मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर के एग्जाम में आते रहते हैं कि अगर हम रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म देते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, नैरो पल्स मिलेगा, रैम इनपुट देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, स्टेप मिलेगा, स्टेप सिग्नल देंगे तो हमको क्या मिलेगा आउटपुट, यहाँ पे हमको नैरो पल्स मिलेगा, और हम ट्रायंगुलर इनपुट देंगे हमको स्क्वायर इनपुट, स्क्वायर आउटपुट वेवफॉर्म हमको मिलेगा। तो यहाँ तक हम लोग डिफरेंशिएटर देख लिए कि डिफरेंशिएटर का एप्लीकेशन क्या है, उसके वेवफॉर्म को भी देख लिए। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटिंग सर्किट। तो देखिए इंटीग्रेटिंग सर्किट क्या है, एक लीनियर वेव शेपिंग सर्किट है। हम लोग देखे थे जब पिछले क्लास में कि ये क्या है, इंटीग्रेटिंग सर्किट क्या होता है, लीनियर वेव शेपिंग सर्किट होता है
इस लीनियर वेव सर्किट में इंटीग्रेटिंग सर्किट में जो आउटपुट मेरा जनरेट होता है, आउटपुट जनरेट होता है इनपुट के इंटीग्रल के प्रोपोर्शनल में हमको आउटपुट मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए आउटपुट जो मिल रहा है क्या हो रहा है, इनपुट जो अप्लाई किए हैं उस इनपुट के इंटीग्रल के प्रोपोर्शनल में हमको आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो यहाँ पे क्या रख दिए, के रख दिए। इस के का वैल्यू होता है 1/RC। यहाँ पे RC क्या है, इस इंटीग्रेटिंग सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट है, इस इंटीग्रेटिंग सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट है, इसलिए हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 1/RC इंटीग्रल ऑफ इनपुट सिग्नल। तो यानी हमको इंटीग्रेटिंग सर्किट में जो आउटपुट मिलेगा वो इंटीग्रेटिंग सर्किट के यानी इनपुट सिग्नल के इंटीग्रल के प्रोपोर्शनल में हमको मिलेगा। तो यहाँ पे दिखा रखा है इस इंटीग्रेटिंग सर्किट का सर्किट डायग्राम। तो इस इंटीग्रेटिंग सर्किट में यहाँ पे क्या होता है, एक रेजिस्टर कनेक्ट होता है और यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट होता है। यहाँ पे हम इनपुट अप्लाई करते हैं, यहाँ से आउटपुट लेते हैं, यानी आउटपुट कैपेसिटर के क्रॉस, इस कैपेसिटर के क्रॉस हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है क्योंकि ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर और सी रजिस्टर और कैपेसिटर क्या होंगे, एक दूसरे के सीरीज में होंगे। इसलिए क्या है, मेरा जो इंटीग्रेटिंग सर्किट है यानी इंटीग्रेटर होता है क्या होता है, एक आर और सी का एक सीरीज सर्किट होता है, यानी RC सीरीज सर्किट होता है। अब देखिए इसको डिजाइन कैसे करते हैं, इसको डिजाइन करते समय हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर के रिएक्टेंस को हम क्या रखते हैं, इस रेजिस्टेंस से बहुत ही कम रखते हैं, बहुत ही कम रखते हैं। तो यहां पे क्या किया, इस कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होना चाहिए, इस रेजिस्टेंस से बहुत ही कम होना चाहिए। तो यहां पे क्या कर दिए, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से बहुत कम कर दिए। तो इसका अगर वैल्यू रखे XC का तो क्या होगा, 1/2 πfC। तो यहां पे रख दिए 1/2 πfC का वैल्यू क्या होगा, इस आर से बहुत ही कम होगा। अब क्या किए, इसको यहां पे लाए, इस फ्रीक्वेंसी को यहां पे ला गए और इस रेजिस्टेंस को यहां पे लाए, तो इस फ्रीक्वेंसी को यहां ला लिए, इस रेजिस्टेंस को यहां ला लिए, यानी क्या कहेंगे, 1/2 πRC का वैल्यू इसके फ्रीक्वेंसी से बहुत ही कम होगा। अब इस फ्रीक्वेंसी की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड के रूप में बदल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होता है क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ पे क्या रख दिए, 1/टाइम पीरियड रख दिए। तो यानी 1/2 πRC का वैल्यू 1/टाइम पीरियड से बहुत ही कम होगा। अब क्या किए, इसको यहाँ पे लाए, इसको यहाँ पे ले गए, यानी इस टाइम पीरियड का वैल्यू बहुत ही कम होगा 2πRC से, 2πRC से बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे RC का वैल्यू, ये कॉन्स्टेंट है इसको हटा सकते हैं, तो इस RC का वैल्यू क्या होगा, इस टाइम पीरियड से बहुत ही ज्यादा होगा। यहाँ पे RC मेरा क्या है, इस सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट है। तो RC सीरीज सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, RC होगा। तो RC यानी टाइम कॉन्स्टेंट का वैल्यू इसके टाइम पीरियड से बहुत ही ज्यादा होगा। यहाँ पे टाउ क्या है, RC है, RC की तरफ हम क्या रखे हैं, टाउ रखे हैं। टाउ को क्या बोलते हैं, टाइम कॉन्स्टेंट, इस सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट। यानी इसको डिजाइन करते समय इंटीग्रेटिंग सर्किट को हम इसके सर्किट का टाइम कॉन्स्टेंट को इसके टाइम पीरियड से बहुत ही ज्यादा रखेंगे, बहुत ही ज्यादा रखेंगे। अगर हम चाहते हैं एक अच्छा इंटीग्रेटिंग सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं तो इस टाइम कॉन्स्टेंट का वैल्यू कम से कम टाइम पीरियड के 10 गुना तक रखना पड़ेगा हमको। इससे ज्यादा ही रखेंगे तब हमको एक अच्छा इंटीग्रेटिंग सर्किट परफॉर्म होके मिलेगा, डिजाइन होके मिलेगा। तो यानी गुड इंटीग्रेटर के लिए हमको क्या, कम से कम 10T रखना चाहिए टाइम कॉन्स्टेंट का वैल्यू, कम से कम 10 × टाइम पीरियड रखना चाहिए या इससे ज्यादा रख सकते हैं। अब देखिए जो डिफरेंशिएटिंग सर्किट पर है और इंटीग्रेटिंग सर्किट पर है इसका यूज कैसे हो रहा है, इसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग सर्किट का उपयोग हम करते हैं लो पास फिल्टर की तरह और डिफरेंशिएटिंग सर्किट का उपयोग करते हैं हाई पास फिल्टर की तरह। तो देखिए लो पास फिल्टर का मतलब क्या होता है,
कि जो मेरा सिग्नल होगा इनपुट के, एक फ्रीक्वेंसी डिजाइन कर लेंगे, एक सेट पॉइंट डिजाइन कर लेंगे, इनपुट यहां पे दे दिए। लो पास फिल्टर मतलब जो डिजाइन फ्रीक्वेंसी है, सेट फ्रीक्वेंसी है, उससे कम वैल्यू के सिग्नल को आउटपुट पे जनरेट करेगा और इससे ज्यादा के सिग्नल को क्या करेगा, आउटपुट पे नहीं जनरेट करेगा, उसको रिमूव कर देगा, सप्रेस कर देगा। यानी इसके कम वैल्यू के लिए लो पास फिल्टर, तो लो पास फिल्टर में क्या होगा, कम वैल्यू के लिए सिग्नल को पास करेगा मेरे जो फिक्स फ्रीक्वेंसी है, और हाई फ्रीक्वेंसी में, हाई पास फिल्टर में जो मेरे सिग्नल है, जो फ्रीक्वेंसी यानी जो सेट किए हैं, इससे ज्यादा के सिग्नल को क्या करेगा, पास करेगा यानी आउटपुट पे जनरेट करेगा, उससे कम के फ्रीक्वेंसी को आउटपुट पे नहीं जनरेट करेगा यानी इसको रिमूव कर देगा। तो आउटपुट किस तरह का मिलेगा, यानी ये वाला हमको आउटपुट पे दिखाई देगा और ये वाला हमको रिमूव होता हुआ दिखाई देगा। यानी लो पास फिल्टर लो बैंड के सिग्नल को पास करता है यानी आउटपुट पे जनरेट करता है, और हाई पास फिल्टर हाई वैल्यू को यानी सेट पॉइंट से ज्यादा वैल्यू को सिग्नल को हमको आउटपुट पे जनरेट करता है, यानी हाई सिग्नल को, हाई बैंड के सिग्नल को पास करता है। ओके, आज इतना ही, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।